press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है, आप देख रहे हैं ज़करिया ज़रियू चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ GPU माइनिंग रिग के बारे में। तो आप दोस्तों को पता है कि मेरे पास GPU माइनिंग रिग है, तो मैं माइनिंग भी करता रहा हूँ पिछले साल। अभी मैंने दोबारा से माइनिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैं दोस्तों अपना एक GPU माइनिंग रिग सेल करना चाहता हूँ, जिसके अंदर कार्ड लगे हुए हैं RX 580 के, 6 कार्ड के साथ है वो हमारा GPU माइनिंग रिग। तो अगर दोस्तों को नहीं पता, जो हमारे नए दोस्त हैं, कि GPU माइनिंग रिग क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे ग्राफिक कार्ड होते हैं, जिनके साथ हम गेम वगैरह खेलते हैं, उन कार्ड को एक साथ जोड़कर हम GPU रिग बनाते हैं। तो GPU रिग में 6 कार्ड भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या 12 कार्ड या 13 कार्ड के मदरबोर्ड अवेलेबल हैं मार्केट में। तो आप ये इतने कार्ड लगा के आप अपना एक GPU रिग बना सकते हैं। तो इस GPU रिग से आप ऑल्टकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल, तो उनमें से आप कोई भी कॉइन माइन कर सकते हैं। तो जैसे आजकल एक कॉइन फेमस है, जिसका नाम है Ethereum ETH, तो इसको लोग बहुत ज़्यादा माइन करते हैं, क्योंकि इसकी जो है माइनिंग बिल्कुल वो स्टेबल है, वो ऊपर नीचे नहीं होती, तो इसकी प्राइस भी फ़िलहाल स्टेबल है, तो इसीलिए इसमें कुछ प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए लोग इसको माइन कर रहे हैं। तो मैं भी इसी की माइनिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना एक रिग सेल करना चाहता हूँ, जिसमें कार्ड लगे हुए हैं RX 480 8GB के, स्फायर नेट्रो प्लस के। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन सा GPU रिग है जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जी दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ GPU रिग के पास। ये हमारे पास GPU रिग है जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ, जिसमें कार्ड लगे हुए हैं RX 480 8GB के, स्फायर नेट्रो प्लस के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये GPU रिग अभी रनिंग में है। अभी जो इसकी स्पीड है वो 165 MHz स्पीड है। तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ बाद में, कि आजकल क्या प्रॉफिट है जो मैं माइन कर रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल माइन कर रहा हूँ Ethereum। तो यहाँ पर दोस्तों पावर सप्लाई लगी हुई है, ये 6 ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं। तो ये जो फ़ैन है, ये मैंने पीछे वैसे ही लगाए हुए हैं इनको ठंडा रखने के लिए। और यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है अलग से एक बिजली का मीटर लगाया हुआ है, क्योंकि मैं बिजली अलग से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता रहता है कि मैंने कितने यूनिट यूज़ कर लिए हैं। और यहाँ पर एक मैंने ब्रेकर लगाया हुआ है इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए। और यहाँ पर मैंने वैसे ये अपना क्लैंप मीटर रखा हुआ है, देखने के लिए कि अभी हमारे जो रिग है वो कितने वाट ले रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने एम्पेयर हमारे यूज़ हो रहे हैं। जी दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं जी 3.4 एम्पेयर हमारा जो रिग है वो यूज़ कर रहा है। 3.5 आप लगा लें, 3.5 एम्पेयर हमारा जो GPU रिग है वो ले रहा है। और यहाँ पर राइजर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो राइजर इसमें यूज़ किए गए हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के मैंने राइजर लगाए हैं। और इसका जो प्रोग्राम है वो दोस्तों USB के थ्रू है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अभी इन फ़ैन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, तो मैं फ़ैन को बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो ये स्विच मैं निकाल लेता हूँ। तो जी दोस्तों, मैंने स्विच यहाँ से निकाल दिया है फ़ैन का। हमारे जो पीछे फ़ैन थे वो बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख लें। तो इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो हमारी जो माइनिंग हो रही है जिस प्रोग्राम के थ्रू, वो दोस्तों है सिंपल माइनिंग .NET, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसी के थ्रू हमारी माइनिंग हो रही है। दोस्तों, यहाँ से हम अपना फुल कंट्रोल कर सकते हैं GPU माइनिंग रिग सिंपल माइनिंग .NET से। चाहे तो हम अपने GPU रिग को ऑफ़ कर दें, लेकिन हम ऑन नहीं कर सकते, ऑन हमें यहाँ से ही ऑन करना पड़ेगा अगर हम ऑफ़ कर लेते हैं तो। और बाकी बहुत सारी सेटिंग है, हम चेंज कर सकते हैं, ओवरक्लॉक कर सकते हैं। कोई भी हमने कॉइन माइन करना हो तो हम अपने मोबाइल से ही यूज़ करके उसको उस पर लगा सकते हैं माइनिंग के लिए। तो यहाँ हमारे जो 6 कार्ड हैं वो चल रहे हैं, माइनिंग हमारी हो रही है। और यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पावर सप्लाई लगी हुई है, आप देख लें, 90+ गोल्ड वालों की पावर सप्लाई है, काफ़ी अच्छी पावर सप्लाई है। और ये 1800 वाट की पावर सप्लाई इसमें यूज़ की गई है। और उसके बाद
यहाँ पर एक यूएसबी है, इसमें हार्ड डिस्क बिल्कुल नहीं है, हार्ड डिस्क की ज़रूरत भी नहीं है यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मदरबोर्ड यूज़ किया गया है वो है H81 Pro BTC का, जो बिल्कुल माइनिंग के लिए यूज़ होता है, और इसमें फ़िलहाल 2 GB की रैम मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो 2 GB की रैम काफ़ी है माइनिंग के दौरान, और बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और पावर सप्लाई है, रैम है, ये है एक इसमें USB फ्लैश है, और उसके बाद 16 GB की ये हमारे 6 राइजर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये मैं अपना GPU रिग सेल करना चाहता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो इसको मैंने यूज़ किया है तकरीबन पिछले साल, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने ही इसको यूज़ किया था। तो बाद में आपको पता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो नीचे गिर गई, तो जो हमारी माइनिंग थी उसमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं था, तो इसलिए मैंने इनको बंद करके रख दिया था। तो अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया है इसको, मैंने यकम से स्टार्ट किया है इसको, ये भी मैं आपको बता दूँ। और जो हमारा दूसरा रिग है, लेकिन वो मैं सेल नहीं करना चाहता, उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर चल रहा है। इसमें जो कार्ड 200 लगे हुए हैं वो हैं RX 580 के 4 GB के ग्राफिक कार्ड हैं इसमें, वहाँ पर 8 GB के ग्राफिक कार्ड हैं, यहाँ पर 4 GB के ग्राफिक कार्ड हैं। तो इसमें भी सेम ही है, इसमें सप्लाई ज़रा डिफरेंट है, और इसमें भी 2 GB रैम है, और हमारी यहाँ पर USB मैंने लगाई हुई है, और यहाँ पर नेट मिला हुआ है, और इसमें भी राइजर 6 लगे हुए हैं। जो राइजर हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, और जो राइजर है मैंने जो जब लिए थे, एक राइजर 1500 रुपये का था, और यहाँ पर ये डाटा हब लगी हुई है, यहाँ से वहाँ नेट जा रहा है इसको, तो ये माइनिंग हो रही है। और इनकी जो दोनों की पावर कंजप्शन है वो बिल्कुल सेम है, और इसकी जो स्पीड है दोस्तों, इसको जो मैंने लगाया हुआ है ये भी सेम ही मैंने लगाया हुआ है 165 MHz के ऊपर, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा स्पीड करने का फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको लगाया हुआ है। तो दोस्तों मैं साथ में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो बिजली है वो बिल्कुल स्टेबल है यहाँ पर, अगर आप देखें, क्योंकि हमारे बिजली ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है साथ में, कि मेरे जो GPU रिग हैं इनको कोई मसला ना बने बिजली की वजह से। ये मैंने लिया था 16,000 रुपये का, ये मैंने पिछले साल लिया था, ये मैंने लगाया हुआ है मैंने इसको इसके ऊपर, कि हमारी जो पावर सप्लाई है बिल्कुल वो प्रॉपर मिले मेरे GPU रिग को। तो बाकी आप देख लें, इनको भी मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, ये लकड़ी के फ्रेम मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर किसी दोस्त ने ये GPU रिग लेना हो, ये वाला, ये RX 480 8 GB का, आपको एलुमिनियम का फ्रेम चाहिए तो एलुमिनियम का फ्रेम भी मिल सकता है, अगर आपको लकड़ी का फ्रेम यही चाहिए तो इसी में भी आपको मिल जाएगा। ये कार्ड जो है बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, ये मत सोचना है कि ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, ये तकरीबन 4 महीने ही मैंने यूज़ किए हैं, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किए। हमारी जो बिजली है जैसे मर्ज़ी आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक यानी कि ऑन हो जाते हैं और माइनिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। और अभी देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये 3.2, 3.3 के ऊपर यानी कि ये चल रहा है, ये हमारी इतनी पावर यानी कि यूज़ हो रही। क्योंकि पहले क्या था, मैंने ये फ़ैन साथ में लगाए हुए थे, अभी फ़ैन की लीड किधर गई, वो ये वाली जो हमारे पीछे फ़ैन चल रहे थे ना, तो वो फ़ैन भी ज़्यादा करंट ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो वो वाला ट्रांसफार्मर है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा करंट लेता है। 12 वोल्ट फ़ैन मैंने लगाए हुए हैं 3, तो उनको यूज़ करने के लिए। अगर मैं दोबारा इसको लगाता हूँ देखें, तो हमारे जो एम्पेयर हैं वो बढ़ जाएंगे, देखें हमारे एम्पेयर जो हैं वो बढ़ गए हैं। समझ लें आप कि 2 पॉइंट जो हैं हमारे, वो फ़ैन ले रहे हैं, तो मैं फ़ैन को लगाया हुआ है मैंने इसलिए साथ में, क्योंकि ये हमारे ग्राफिक कार्ड हैं, ये ठंडे रहते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा हीटअप नहीं होते, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखें तो यहाँ पे विंडो की क्रॉसिंग भी है, और यहाँ से हवा आती है, और यहाँ से इस दरवाज़े से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये छत के ऊपर हमारे एक रूम है, तो मैंने वहाँ इनको रखा हुआ है, तो मैंने इनको यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है, ये नीचे भी मैंने एक वैसे फ्रेम पड़ा हुआ था, हमारी ये एक पेटी का फ्रेम था, उसके ऊपर मैंने रख दिया कि नीचे से ज़्यादा ये कचरा वगैरह ना आए, तो इसीलिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है आपको पता है, लेकिन फिर भी इतना इशू नहीं है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं तकरीबन 2-4 दिन के बाद मैं इनके ऊपर वो जो ब्लोर होता है उससे सफाई कर देता हूँ, तो कोई नुकसान कोई मसला मसायल नहीं होता, यानी कि आप इसकी सफाई वगैरह करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ब्लोर है अगर आप देखें, ये वाला, ये इससे इसको हवा मार के मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर देता हूँ इनको। तो बाकी दोस्तों अगर आपने ये वाला रिग लेना हो तो आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं, ये वाला जो है RX 480 8 GB के साथ ये आपको मिल जाएगा,
सस्ती प्राइस में, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो महंगा ख़रीदा हुआ, लेकिन मैं आप दोस्तों को सस्ता ही दे दूंगा, क्योंकि मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। वो जो दूसरे वाला है वो काफ़ी महंगा है, वो तो मैंने जब लिया था, मैं आपको बता भी देता हूँ, 4,65,000 का मैंने लिया था उस टाइम, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको मैं सेल भी नहीं करना चाहता। तो क्योंकि मुझे, अगर मैं वो वाला सेल करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो मैं ये वाला सेल करना चाहता हूँ। अगर किसी दोस्त ने लेना हो तो मेरे से रابطہ कर सकता है। तो आज की डेट में ये वाला जो हमारा रिग है, अभी की डेट में मैं बता रहा हूँ, तकरीबन ये हमें 5,000 रुपया दे रहा है मंथली, यानी ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा इसीलिए, क्योंकि जो हमें मिल रहा है मैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो ये झूठ होगा इसीलिए। लेकिन हाँ, अगर अलबत्ता बिटकॉइन की प्राइस और ऊपर चली जाती है और एथेरियम की तो साथ में ऑटोमेटिक ही जाएगी, तो फिर हमारी प्रॉफिट और बढ़ जाएगी। तो पिछले साल क्या था, एक हमारा जीपीयू रिग ये वाला जो था, ये 25 से 30 हज़ार मंथली हमें कमा के दे रहा था। तो अभी भी इंशाल्लाह ये जैसे ही बिटकॉइन जो जाएगा 14-15 हज़ार डॉलर के ऊपर अगर चला जाता है, तो इनकी जो प्रॉफिट, इनका जो प्रॉफिट है वो सेम तकरीबन आ जाएगा, 20-25 हज़ार या 30 हज़ार के लगभग आ जाएगा। जो हमारी डिफ़िकल्टी थी वो सेम ही चल रही है, जो पिछले साल थी वही आजकल डिफ़िकल्टी चल रही है माइनिंग की। दोस्तों मैं अपना मोबाइल नंबर जो दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वैसे भी मेरा मोबाइल नंबर है यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं अगर आपने लेना हो। तो जिस भी दोस्त ने लेना हो तो वो लाजमी मुझे पहले मैसेज कर ले व्हाट्सअप के ऊपर, तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा, फिर वो मेरे से बात कर ले कि जी मैंने ये जीपीयू रिग लेना है, बाद में हम पैसों की डिस्कस कर लेंगे कि मैं कितने में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन वही बंदा रابطہ करे जिसको लेने का शौक़ हो और जिसको पता है कि मैंने माइनिंग करनी है। जी दोस्तों, अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमें मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने साइट ओपन की हुई है क्रिप्टो कंपेयर, तो ये समझ लें कैलकुलेटर है, यहाँ से हम चेक कर लेंगे कि हमारी पावर कंजप्शन जो हमारा जीपीयू रिग है वो कितनी यूज़ कर रहा है और हमारे पास कितने मेगा हैशेज़ हैं और हमें क्या प्रॉफिट मंथली मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा जीपीयू रिग कितनी पावर कंजप्शन कर रहा है, कितने एम्पेयर वो ले रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता था कि हमारा जीपीयू रिग जो था वो 3.3 यानी कि ले रहा था, जब मैंने फ़ैन साथ में लगाए हुए थे तो तब उस टाइम थे 3.5 एम्पेयर। अगर हम 3.5 एम्पेयर को चेक करें, 3.5 × 220, तो दोस्तों इसकी जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो 770 वाट है। अगर हम ये फ़ैन निकालने, जो फ़ैन मैं साथ में लगा रहा था, क्योंकि हम फ़ैन को साथ में कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो उस टाइम हमारे बन जाते थे 3.3 × 220, तो यहाँ पर आ जाते हैं 726 वाट्स जो हमारा, यानी ये जीपीयू रिग ले रहा था। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 750, हम ज़्यादा लिख लेते हैं, 750 मैंने लिख लिया यहाँ पर। और हमारी जो पावर थी माइनिंग की, यानी मेगा हैशेस, वो थे 165, क्योंकि अभी मैंने इसको नॉर्मल रखा हुआ है 165 पर, तो मैं नॉर्मल ही यूज़ करता हूँ। हाँ, अगर अलबत्ता सर्दियाँ हों तो फिर आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं है, ये 165 काफ़ी है। और दोस्तों यहाँ पर जो नीचे पावर कॉस्ट है जो मैंने रखी हुई है वो 12 सेंट रखी हुई है। अगर हम 12 सेंट को देखें कितने पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं पैसे, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम 12 सेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, 0.12, तो यहाँ पर तकरीबन ये बन जाते हैं 18.90 रुपये। तकरीबन हमें जो बिल आता है वो 18 रुपये यहाँ तक आ ही जाता है, क्योंकि कुछ टैक्स वगैरह भी होते हैं, तो हमारा जो है जीपीयू रिग 300 से ऊपर चला जाता है, ये 450-450 यूनिट हमारे यूज़ हो जाते हैं एक जीपीयू रिग के, तो ये फिर हमारा जो बिल है वो ज़्यादा आता है। अगर हम 300 यूनिट से कम यूज़ करेंगे तो फिर हमारा बिजली का बिल जो है वो कम होगा। अगर हम 300 से ऊपर चले जाएँ यानी 700 तक, तो फिर हम समझ लें कि हमारा 18 रुपये से लेके 20 रुपये तक आ जाएगा, 20 लास्ट है यानी कि, ठीक है। तो मैंने फ़िलहाल यानी कि 12 सेंट रखा हुआ है, और अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, देखें 750 वाट हो गए, ये हमारी पावर मेगा हैशेज होगी, और ये हमारी जो है कॉस्ट होगी, और उसके बाद ये हमारी पूल की फ़ीस होगी। तो दोस्तों इतना निकाल के हमें जो आजकल जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर देखें तो $41 है, ठीक है। ये हमने बिजली का बिल भी निकाल दिया है, $64 बिजली का बिल बनता है। अभी हम बिजली का बिल भी देख लेते हैं और प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि कितना यानी पाकिस्तानी करेंसी में बन रहा है। तो बिजली का बिल दोस्तों है $65, तो हम सबसे पहले $65 यहाँ लिख लेते हैं आज की डेट में।
दोस्तों 10,237 रुपये बन रहे हैं, यानी तकरीबन ये मैं जब पिछले साल पे करता रहा हूँ तो मैंने 8,000 से लेके 11,000 के बीच में मैंने बिजली के बिल पे किया है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। और हमारी जो आज की प्रॉफिट है वो थी $41, यानी तो हम यहाँ 41 लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये बन रहे हैं 6,500 रुपये, यानी कि 500 रुपये के लगभग बन रहे हैं, यानी कि 6,500 रुपये बन गए हैं। तो जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बताया कि पिछले साल हमारी जो प्रॉफिट थी पर रिक की वो तकरीबन 25,000 से 30,000 के करीब थी, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी हाई चली गई थी, तो इसलिए हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया था। जब वो बिटकॉइन $20,000 पे गया था उस टाइम तो रिक जो था वो $700 प्रॉफिट दे रहा था पर मंथ, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए था, उसके बाद डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो इसलिए प्रॉफिट कम हो गया था। तो आप यानी इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे मैंने ये बताया है। जितने भी आपके एम्पेयर ले रहा होगा जीपीयू आपका, समझ लें कि आप उसको 220 वोल्ट के साथ ज़र्ब दे लें, यानी जैसे ये ऐसे भी दे सकते हैं वैसे भी दे सकते हैं। तो जैसे हम ज़र्ब 3.3 कर लेते हैं तो वही हमारे 726 वाट बन जाएंगे। ये हमारी पावर कंजप्शन होगी जो हमारा जीपीयू माइनिंग रिग ले रहा होगा टोटल। तो हाँ, बाकी इंशाल्लाह आप मुझे बताना कि आप कौन कौन सा कॉइन माइन करना चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो आप दोस्तों के साथ बना के शेयर करूँ। तो मैं फ़िलहाल अभी जो माइनिंग कर रहा हूँ मैं एथेरियम की ही माइनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एथेरियम बिल्कुल आजकल स्टेबल है। बाकी और बहुत सारे कॉइन हैं ऐसे जिनकी पर डे में प्रॉफिट यानी कि हमें मिल रहा होता है $20, $30, यहाँ तक के $50 भी प्रॉफिट पर डे का मिल रहा होता है, लेकिन वो आज के दिन में होता है, कल को पता नहीं होता है कि उसका $50 प्रॉफिट है या $1 भी प्रॉफिट है या नहीं है। ये भी एक चीज़ है, कॉइन वही बेस्ट रहता है माइनिंग के लिए जिसकी माइनिंग बिल्कुल स्टेबल हो, यानी आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से माइनिंग कर रहे हैं, उसकी माइनिंग स्टेबल जा रही हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो चलिए दोस्तों हम इसके फ़ैन जो हैं वो चला देते हैं, गर्मी काफ़ी है, मुझे भी काफ़ी पसीना आ गया है। और देखें अभी हवा ठंडी हो गई है, तो फ़ैन मैंने 3 लगाए हुए हैं पीछे। तो दोस्तों जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया ज़ेड यू चैनल, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग, अल्लाह हाफिज़।